Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can't. He is Dr. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. There was some problem. He's Adam Zakir! Hello everyone! This is your favorite Murtid! Salam al Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. वेलकम एवरीवन। एक दो फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं। बहुत शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इंडिया में एक शख्स है जैद पटेल जो कि बहुत फेमस होना चाह रहा है और वो फेमस होने के लिए हर किस्म का झूठ अपनाता है और झूठ चलाता है। पिछली दफा मैंने दो वीडियोस बनाई थी बहुत आराम से कि जैद पटेल सीधी तरह आके बात कर अगर तेरे में हिम्मत है तो, मगर इसको तकलीफ ये थी कि इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलानी है, इसको एक साथी चाहिए जो डिबेट को मॉडरेट करे और वो सारा कुछ जिसकी सारी रूदार जो लोग मेरे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है और एडम सीकर हिंदी चैनल के ऊपर वो दोनों वीडियोस मौजूद हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी थी और एक लाइव स्ट्रीम भी कर दी थी जिसमें इसके सारे के सारे बकवासियात मैंने दिखाए थे। बाद में इसने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई और साथ में ये भी कहा हा 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 एडम सीकर प्रेजेंटेशन नहीं जलाने देता। 6 घंटे की इसकी एक डिबेट हुई है समीर के साथ, तकरीबन 6 घंटे की। उस 6 घंटे में क्या क्या बकवासियात हुई हैं, किस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर इन लोगों ने आयतों को बाइबल की ऊपर नीचे करके उनके अंदर से लफ्जों को एमिट करके दिखाने की नाकाम कोशिश किया डिबेट जीतने के लिए, इसके लिए मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जो कि इस चैनल पे अब आपको मिलती जाएंगी। आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद ये सारी तमहीद मैं नहीं दूंगा, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आऊंगा और मैं पॉइंट पे आगे बताऊंगा। आज सबसे पहले आपको सबसे इजीली कैचेबल इसका झूठ दिखाते हैं कि एक शख्स को बेगैरती के किस लेवल पे जाना पड़ेगा कि वो जैद पटेल जैसा हो जाए। दोबारा रिपीट करता हूं, एक शख्स को बेगैरती की किस अजीम लेवल पे जाना पड़ेगा कि वो जैद पटेल की तरह अपनी बात रख सके। आइए देखते हैं जैद पटेल ने क्या बकवास की, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में बाइबल में क्या लिखा है। स्टडी नोट्स, बाइबल की स्टडी नोट्स में आप देख सकते हैं कि स्टडी नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, जॉन 1:45 की तरफ इशारा दिया गया है। जॉन 1:45 की तरफ इशारा किया गया है तो जीसस खुद बोल रहे हैं, हाँ वो अपने आप को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो हैं जो प्रॉफिट लाइक मोसेस। एक सेकेंड, डिट्रोनमी 18:18 के ऊपर ये साहब बहादुर ये फरमा रहे हैं कि जीसस खुद बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट नहीं है, जबकि स्टडी नोट कह रहा है जॉन 1:45 को जाके देखो। आइए पहले जॉन 1:45 को देख लेते हैं, उसके बाद हम मजीद देखेंगे कि जॉन 1:45 में क्या लिखा हुआ है और फिर हम आगे चलेंगे। ये जनाब आपके सामने लाता हूं जॉन 1:45, ये देखिए जॉन का चैप्टर नंबर 1 है, आप सब देख सकते हैं, ये जॉन चैप्टर नंबर 1 आपके सामने है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन की ट्रांसलेशन जो कि जरा इजी है वो दिखा रहा हूं, आप कोई सी भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। 1:45 फिलिप found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law. Deuteronomy में, law में मूसा ने जो लिखा था वो हमें मिल गया है, and about whom the prophets also wrote, जिसके बारे में मजीद नबियों ने भी बोला था, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. तो study note में इशारा किसकी तरफ किया गया है, जॉन 1:45 की तरफ, जो कि इसने बोला
लेकिन अब ये 145 से भागेगा किधर? चैप्टर नंबर 1 की वर्स नंबर 45 से भागेगा किधर? आप देखिएगा, प्रॉफिट लाइक मोसेस है वो, नहीं वो भी आप देख सकते हैं, मैं उसको अपनी इसमें स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं, लेट्स होप द टाइम विल बी देयर। तो ये बात है, ओके स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं मगर लाएगा नहीं, लाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये लेके आता तो मर जाता, क्योंकि ये इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं था। वहां पे ये बाकी तमाम आयतों को ऊपर नीचे से ना दिखा के बीच वाली आयत को दिखा सकता था पावर पॉइंट में। पता नहीं इसके पास कोई आर्टिकल खुल गया था जो, या इसके किसी दोस्त यार ने इसको फौरन बैक स्टेज में से आर्टिकल दिया था, जो कि ये करता है हमेशा, पीछे चार दोस्त बिठाए होते हैं जो फटाफट इसको आर्टिकल भेजते हैं। सुनिए बकवास इसकी। तो उनसे पूछा गया, जीसस से पूछा गया, मैं अभी यहां से पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो बाइबल खुली है उसमें से पढ़ रहा हूं, उनसे पूछा गया। इसने अभी बोला है जो इसके पास बाइबल खुली है ये उस बाइबल से पढ़ रहा है। नहीं, अगर ये उस बाइबल से पढ़ रहा होता तो ऐसी बात कर सकता था, हाँ, क्योंकि जनाब ये लोग झूठ के आला मनसब पे फाइज हैं और झूठ के बगैर ये इस्लाम फैला ही नहीं सकते और इस्लाम को साबित ही नहीं कर सकते। आइए देखिए ये अब बाइबल की कौन सी वर्स पे जाता है। क्या आर यू, क्या क्या तुम हो द, आर यू द प्रॉफिट, हाँ आर यू द प्रॉफिट। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये वर्स नंबर 21 है, हाँ वर्स नंबर 21 है, जॉन चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं जो उनको जीसस को क्लियर पूछा गया, आर यू द प्रॉफिट, तो जीसस का क्या जवाब था? जीसस क्राइस्ट का जवाब ये था कि मैं पढ़ रहा हूं, एंड ही आंसर्ड नो। अगर ये जीसस क्राइस्ट का जवाब था, मैं अभी के अभी ईमान लाने को तैयार हूं। लेकिन बात यह है कि मुसलमानों में से कौन सा बंदा है जो इस चीज को जाके वेरीफाई करेगा? वहां पे लाइव चैट के अंदर मुसलमानों की वाह वाह और माशाल्लाह चल रही है और ये भाई साहब झूठ पे झूठ बकी जा रहे हैं, इंतहाई झूठा है और बेगैरत है। वंस अगेन जैद पटेल, मेरा तुझको वन ऑन वन डिस्कशन का चैलेंज है, वो चैलेंज आज भी खड़ा है। अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जा, और ये जो 14 नुकाती बकवास तू करता है इसको छोड़ के आ, देखता हूं तू और तेरा बाप मिल के भी ये साबित कर दे इसको कि मोहम्मद जो था वो बिब्लिकल प्रॉफिट था। मैं ईमान लाने को तैयार हूं, जा ये चैलेंज करा है, आ अगर एक बाप की औलाद है तो, वरना इसी वीडियो के ऊपर अभी मेरी 18-20 और वीडियो आएंगी। ये ले पकड़, दोबारा देखते हैं तूने क्या बकवास की थी और बाइबल में लिखा क्या है। जॉन 1:21 बीच में से पढ़ रहा है, आर यू द प्रॉफिट, ही आंसर्ड नो, क्या ये जीसस ने कहा है? इसने 3 दफा बोला जीसस बोले नो, जीसस से पूछा गया आर यू द प्रॉफिट, जीसस बोले नो। आइए देखते हैं कौन बोला नो। नाउ दिस वॉज जॉन्स टेस्टिमनी, किसकी टेस्टिमनी? जॉन द बैप्टिस्ट। व्हेन जूस जूश लीडर्स इन जेरूसलम सेंट प्रीस्ट एंड लेविटिस टू आस्क हिम हु ही वॉज, किसको पूछने के लिए भेजा कि वो कौन है? जॉन को, जॉन द बैप्टिस्ट को। He did not fail to confess, but confessed freely that I am not the Messiah. John the Baptist ने openly, freely बोला, मैं मसाया नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। John the Baptist से पूछा गया, अगर तू मसीह नहीं है तो are you the Elijah? दे, कौन पूछ रहे हैं? Jewish leaders पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? John से। Then who are you the Elijah? He said no. Are you the prophet? He said no. कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग? ये जैद पटेल और इस जैसे तमाम मुसलमान जो डिबेट पे आते हैं और इनको टाइम पे टाइम चाहिए होता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, किससे पूछा गया? जॉन द बैप्टिस्ट से। तुम लोगों को पता नहीं है जॉन द बैप्टिस्ट कौन है? सूरह मरियम में बताया नहीं अल्लाह ने? बेगैरतो, मक्कार, किस हद तक गिरोगे तुम लोग, किस हद तक हो द, आर यू द प्रॉफिट, हाँ आर यू द प्रॉफिट। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये वर्स नंबर 21 है, हाँ वर्स नंबर 21 है, जॉन चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21, जॉन चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21 है। जीसस क्राइस्ट ने कहा नो, आर यू द प्रॉफिट, नो। कौन कह रहे? जॉन द बैप्टिस्ट। दो आयतें ऊपर पढ़नी है, कौन सी है? जॉन चैप्टर नंबर 1, ये लो पकड़ो, कोई और दिखा रहा हूं। इसीलिए मैंने इस बेगैरत को कहा था, आओ मेरे साथ बात करो, कोई मॉडरेटर नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, तुम अपनी बात रखो,
तुम्हारी बात में इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन वो बात 5 मिनट लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम 2 मिनट लंबी। जो मुंह से बोलोगे स्क्रीन पे दिखाओगे, तुम बकवास नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन नहीं खोलोगे, क्योंकि तुम लोग बेगैरत हो, बेगैरत थे, बेगैरत रहोगे। और मेरा चैलेंज खड़ा है आज भी, मोहम्मद वॉज अ पीडोफाइल, मोहम्मद वॉज अ सेक्स मोलेस्टर, मोहम्मद वॉज नॉट अ प्रॉफिट, ही वॉज अ टायरेंट टेररिस्ट। और ये सब कुछ मैं हदीसों से प्रूव करता हूं। आओ बात करो, अगर हिम्मत है तुम्हारे में तो मुझे ये मत सुनाओ इसको ये नहीं पसंद है और एडम को रूल्स नहीं पसंद है। एडम जो मुंह से निकालेगा उसको साबित करेगा, तुम जो मुंह से निकालोगे तुम झूठ बोलोगे। और ये मैंने पहला झूठ तुम्हारा साबित किया, अभी मैं और बहुत सारे झूठ साबित करूंगा और मेरी ये सीरीज चलती रहेगी। जैद आओ, वरना तुमको फेमस मैं करूंगा। तुम्हें फेमस चाहिए था, फेम चाहिए था मुझसे। तुम्हारी वीडियो जहां पे तुमने मुझे टैग किया था, तुम्हें बहुत सारे व्यूज मिले हैं ना वहां पे। आओ किस दिन बात करोगे, हिम्मत है तो किसी भी सैटरडे को आ जाना। तैयारी श्यारी की जरूरत नहीं है मुझे, अपनी तैयारी पूरी करके आना। देखता हूं तुम कैसे साबित करते हो मोहम्मद को प्रॉफिट। अगले पार्ट तक का वेट करें सब लोग। जैद के सारे झूठ जो इसने बाइबल से प्रॉफिट साबित करने की नाकाम कोशिश की है, आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। इसके साथ ही फिर मिलते हैं, टेक केयर। यशुआ अकबर अजीम।